जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बड़ी ही क्विक डिश जो है वो बना के दिखा रहा हूँ। ये मछली है और साथ श्रिम्प्स हैं। इनका अगर आप मिला के पकाएं तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है। आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी थोड़े से जो प्याज हैं वो डाल दिए हैं और अभी इनको थोड़ा सा नरम करूँगा। उसी देर में आपको मसालों को बता दें। बिल्कुल सिंपल रेड मिर्च है, देगी मिर्च है और साथ इसके जो है ये गरम मसाला है, ये अजवाइन है, ये दालचीनी का पाउडर है, ये हल्दी है, ये काली मिर्च है और ये साबुत धनिया है सूखा और साथ थोड़ी सी कलौंजी है। तो ये हमारा टोटल जो है, तो ये टोटल हमारा जो है ये मसाला है। अब आप देख सकते हैं कि मैं प्याज को भून रहा हूँ, इसको थोड़ा सा नरम होने देंगे। और एक चीज़ आपको और बताते चलें, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें, ये टमाटर का जो है पेस्ट है टमाटर का, और ये अदरक लहसुन का पाउडर है पेस्ट है। तो ये चीज़ें दो जो हैं ये हम लिक्विड यूज़ करेंगे। और ये ज़रा से प्याज नरम हुए तो मैंने इसमें साथ ही मैंने ये टोमेटो का जो पेस्ट है वो ऐड किया। ये इतना शानदार बनेगा कि आप बाजी ज़ुबैदा का किचन भूल जाएंगे। और ये मैंने साथ अदरक लहसुन का पाउडर दो चम्मच छोटे चम्मच ऐड किया है और साथ अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी है, चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर दिया ताकि जल्दी जल्दी बने और आपको कैसा बना है ये वेट ना करना पड़े और मुझे खाने के लिए वेट ना करना पड़े। अब आप देख सकते हैं कि इसमें घी ऊपर आ रहा है। साथ ही इसमें मसाले डालें, सीजन करेंगे, मसालों को मिलाएंगे, साथ थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि मसाला जलने की इसमें स्मेल ना आए। और मैं पानी को एक ऊपर आधा बार दे रहा हूँ पानी। ये देखिए तो पानी में डालता जा रहा हूँ क्योंकि चूल्हा काफ़ी तेज़ है, इसमें भी पानी को किसी बोल गिर रहा है। अभी मसाले को अच्छी तरह हम भून रहे हैं। थोड़ा सा और पानी डाला, मसाला जो ये जो इसका भून रहे हैं इसका निशानी होती है कि घी ऊपर आ जाता है। थोड़ा सा और पानी डालेंगे, जितना पानी डालेंगे मसाला गाढ़ा होता जाएगा और मज़ेदार होता जाएगा। ये देखिए ये उबल रहा है, मैं इसमें अभी और पानी डालूँगा। तकरीबन आपका आधा ग्लास पानी जो है और अब ये जब अच्छी तरह आप देख रहे हैं मसाला भून गया हुआ है तो आपने इसमें ये मछली और श्रिम्प जो है ऐड कर दिया। ये याद रखें कि श्रिम्प्स का अपना पानी भी होता है, वो भी अभी ये छोड़ेगा इसमें। और चूंकि दोनों ही चीज़ें ज़्यादा टाइम नहीं लेती गलने में, इस वजह से बहुत बगैर कोई कष्ट किए ये हांडी आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, तकरीबन 5 मिनट, और उसके बाद ये इंशाल्लाह ताला तैयार होगा।
अच्छा अभी बिल्कुल 5 मिनट और मेरा ख्याल है 5 मिनट के ऊपर, थोड़ा सा ओवर टाइम, तकरीबन आधा मिनट और अब मैं आपको दिखाऊंगा ये बन चुका है और आप इसकी शक्ल मुलाहिज़ा कीजिए। ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया डालूंगा, इससे इसकी जो खुशबू है वो बेहतर हो जाएगी, बहुत ज़बरदस्त। तो ये जनाब मुकम्मल तौर पे मछली और झींगा ये बन चुके हैं, श्रिम्स एंड फिश, और इसकी जो डिश है, बहरहाल एक मेरा दोस्त है उसके लिए अंडे नूडल्स भी बनाऊंगा जब वो आएगा। बहरहाल ये एक डिश थी जो कि हमने टोटल तकरीबन 20 मिनट में तैयार की है। इंतज़ार करते रहिए, अगली किसी डिश के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।